अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिंधियाना टेक और मैं हूं टेक्निकल सज्जाद हुसैन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप की टॉप 10 ट्रिक्स के बारे में, जो शायद ही आप जानते हो एंड यू शुड नो और आपको पता होनी चाहिए। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, नंबर वन जो व्हाट्सएप की ट्रिक है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप चैट ओपन करके भी कोई ना पढ़ सके, तो सिंपली आपको एक ये काम करना है। ये आपको एक नज़र आ रही होगी, इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है और उस फ्रेंड को भी डाउनलोड और इंस्टॉल करवानी है जिससे आप सीक्रेट चैट करना चाहते हैं। सिंपली उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करें। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स ये आपको बताएगा कि यहाँ इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करते जाएँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करें, इनेबल इन सेटिंग्स पे क्लिक करें। उसके बाद स्टिल टैब को ऑन करें, ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद ये आपको बता रहे हैं जब भी आप अपना फ़ोन रिस्टार्ट करेंगे तो ये फिर से आपको इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ से स्विच इनपुट मेथड पे क्लिक करें, स्टिल टैब पे क्लिक करें और फिनिश पे क्लिक करें। आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपली अपना व्हाट्सएप ओपन करें। ओपन करने के बाद जिस पे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने फ्रेंड को मैसेज सेंड कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैसेज लिखना है सिंपली, हाउ आर यू। तो आपको एक काम करें, यहाँ पे लॉक आइकन नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करें ये रैंडम फॉर्मेट में शो हो जाएगा, आप जो कि कोई नहीं पढ़ सकता। सिंपली आपको सेंड करना है, ये सेकंड स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैसेज है आपके फ्रेंड को, सिंपली करना क्या है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये कीबोर्ड ओपन करके यहाँ से उसको अनलॉक पे क्लिक करेगा तो ये यहाँ इसको मैसेज शो हो जाएगा। नंबर टू, ये व्हाट्सएप वालों की प्राइवेसी है। अगर आप कोई भी मैसेज डिलीट करना चाहते हैं तो उसको आप 60 मिनट्स के अंदर डिलीट कर सकते हैं, डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। अगर वो 60 मिनट से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फ्रेंड्स आप कोई भी मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन नहीं कर सकते। इस ट्रिक के जरिए आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप वो मैसेज डिलीट करें तो सिंपली आपको करना क्या है, उसका डेट और टाइम नोट करनी है उस मैसेज की। उसके बाद अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करें, व्हाट्सएप को क्लोज करें। उसके बाद सेटिंग्स में जाएँ। सेटिंग्स में जाने के बाद एप्लीकेशंस में जाएं। एप्लीकेशंस में जाने के बाद आपको व्हाट्सएप ओपन करें। व्हाट्सएप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं, व्हाट्सएप को टूने, व्हाट्सएप को वहां से आप फोर्स स्टॉप करें। फोर्स स्टॉप करने के बाद फ्रेंड्स डेट एंड टाइम की सेटिंग्स में जाएं। डेट एंड टाइम सेटिंग्स में आने के बाद ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम ऑफ करें। उसके बाद वही टाइम और डेट लिखें जो आपको मैसेज डिलीट करना है। सिंपली जैसे मैं मैसेज डिलीट करना चाह रहा था जिसका टाइम था 10:30, तो उससे एक या दो मिनट आगे लिख दे। फॉर एग्जाम्पल डेट और टाइम सेट करें, ये देखते हैं 10:31 AM करूँगा, डन पे क्लिक कर दें। उसके बाद फिर व्हाट्सएप में जाएं। व्हाट्सएप में जाने के बाद वहाँ आप जो मैसेज डिलीट करना चाहते हैं उसको डिलीट करें। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले डिलीट फॉर एवरीवन ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। डिलीट फॉर एवरीवन पे क्लिक करें, व्हाट्सएप क्लोज करें, डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम को ऑन करें। उसके बाद अपनी इंटरनेट कनेक्शन फिर से ऑन करें और व्हाट्सएप को ओपन करें। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, सेकंड स्क्रीन पर भी ये मैसेज डिलीट हो गया है और फर्स्ट स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों से मैसेज डिलीट हो गया है। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है जब भी हम व्हाट्सएप में किसी ग्रुप से 5 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो वो हम नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप 5 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट को मैसेज फॉरवर्ड करें, सिंपली आपको करना क्या, अपना व्हाट्सएप ओपन करें। आपको 3 डॉट्स ये नज़र आ रही होंगी, ये देख सकते हैं। उसके बाद न्यू ब्रॉडकास्ट पर क्लिक करें। यहाँ से आप 256 कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी आप कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करें। उसके बाद राइट पर क्लिक करें। राइट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स चलते हैं वही मैसेज फॉरवर्ड करके देखते हैं। ये देख सकते हैं मैं वैसे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसी प्राइवेसी की वजह से मैंने अभी जो ब्रॉडकास्ट बनाए उसमें नहीं सेंड करूँगा। और यार सेकंड स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने मैसेज जैसे फॉरवर्ड किया तो उसको फ्रेंड को ऐसे शो होगा जैसे मैंने उसको अलग से मैसेज फॉरवर्ड किया, जबकि मैंने यहाँ पे 8 लोगों को एक ही क्लिक से मैसेज फॉरवर्ड किया है। ये आप देख सकते हैं, तो सबों को ऐसे ही शो होगा जैसे मैंने उन लोगों को अलग अलग से मैसेज फॉरवर्ड किया है। इस ट्रिक के जरिए फ्रेंड्स आप पता लगा सकते हैं कि आपके फ्रेंड ने आपको ब्लॉक किया है या नहीं। सिंपली आपको करना है कि अपना व्हाट्सएप ओपन करें, उसके बाद आपको उस फ्रेंड के साथ एक ग्रुप क्रिएट करना है। अगर ग्रुप क्रिएट हो जाता है और वो आपका फ्रेंड ऐड नहीं होता तो इसका साफ मतलब है उस फ्रेंड ने आपको ब्लॉक कर दिया है। इस ट्रिक के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके फ्रेंड ने आपका कॉन्टैक्ट नंबर अपने मोबाइल में सेव किया है या नहीं। सिंपली आपको करना क्या है, अपना व्हाट्सएप ओपन करें, उसके बाद स्टेटस में जाएं। अगर स्टेटस में कभी भी उसकी स्टेटस आपको शो नहीं होती, इसका साफ मतलब है उसने आपका कॉन्टैक्ट नंबर अपने मोबाइल में सेव नहीं किया। इस ट्रिक के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपका व्हाट्सएप कोई और यूज़ कर रहा है या नहीं। सिंपली अपना व्हाट्सएप ओपन करें, 3 डॉट्स पर क्लिक करें, उसके बाद व्हाट्सएप वेब पर क्लिक करें।
यहाँ लॉक इन डिवाइसेस दिखा रहा है, लास्ट एक्टिव 18 अक्टूबर, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप किसी ने यूज़ किया था विंडोज़ पे, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हैं या सिंपली लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट लॉग आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है जब भी हम व्हाट्सएप पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हैं तो वो उसको खराब करता है, जबकि हम नहीं चाहते कि वो उसको खराब करे। अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर फुल अपलोड करना चाहते हैं तो सिंपली अपना प्ले स्टोर ओपन करें। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद ही आपको व्हाट्सक्राब एक एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी, इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करें। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें, उसके बाद ये पहले आइकॉन पे क्लिक करें, यहाँ से टेक फोटो या सेलेक्ट फोटो भी कर सकते हैं। ये कुछ परमिशन मांग रहा है, सेटिंग्स पे क्लिक करें। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आए थोड़ा परमिशंस में, परमिशंस में जाने के बाद इसको ये दोनों परमिशंस दे दें, फिर बैक जाएं। बैक जाने के बाद यहाँ पहले आइकॉन से फिर से अपना फ़ोटो सिलेक्ट करें गैलरी से, या आप कैमरा से भी फ़ोटो ले सकते हैं। तो जैसे आप ले लें उसको ओके करें, उसके बाद आपको ये फॉरवर्ड वाला आइकॉन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड आप ऑटोमेटिक व्हाट्सएप में आ जाएंगे। जस्ट आपको करना क्या है, डन पे क्लिक करें। डन पे क्लिक करने के बाद आपकी फुल प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं आपका फ्रेंड आपको व्हाट्सएप मैसेज करे मगर आप उसका मैसेज पढ़ भी लें मगर उसको पता ना चले, तो सिंपली आपको क्या करना है, अपना व्हाट्सएप ओपन करें, थ्री डॉट पे क्लिक करें, सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग में जाएं अकाउंट, अकाउंट के बाद प्राइवेसी पे क्लिक करें, उसके बाद रीड रिसिप्ट ऑफ कर दें। तो जैसे ही आपका फ्रेंड आपको मैसेज भेजेगा, ये सेकंड स्क्रीन पे देख सकते हैं हम मैसेज भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस आईडी पे, जैसे ही ये मैसेज भेजेगा आप इसका मैसेज पढ़ भी लेंगे मगर उसको ब्लू टिक जो नहीं जाएगी कि इसके उसने आपका मैसेज नहीं पढ़ा। और तो फ्रेंड्स इसका एक और भी फ़ायदा है, अगर आप किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगे तब भी उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसका व्हाट्सएप स्टेटस देखा है। अगर आप चाहते हैं किसी का रीड रिसिप्ट आप है तब भी आपको पता चले कि उसने आपका मैसेज पढ़ा है या नहीं, सिंपली आप क्या करें उसको एक वॉइस नोट भेजें, खाली रैंडम वॉइस नोट भेजें, उसमें कुछ भी ना बोलें, सिंप बस उसको एक वॉइस नोट भेजें। तो जैसे ही वो आपका वॉइस नोट प्ले करेगा तो आपको ब्लू टिक आ जाएगा, भले उसका ही रीड रिसिप्ट है जो आप हो। ये जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे प्ले करेंगे इसका रीड रिसिप्ट आप है टेलीफोन का, ये देखें उसको ब्लू टिक चला गया और ऊपर वाले पे देख सकते हैं उसको नहीं गया। अगर आप चाहते हैं आपका रीड रिसिप्ट आप हो और उसका वॉइस नोट भी सुनना चाहते हैं तो उसको सिंपली आप क्या करें, यहाँ से ना सुने, फाइल मैनेजर में जाने के बाद व्हाट्सएप की मीडिया में जाएं, व्हाट्सएप मीडिया, उसके बाद वाइट्स नोट्स में जाएं, व्हाट्सएप वाइट्स नोट्स में, यहाँ डेट वाइज सारे लगे होंगे, वो जो है उसका लास्ट जो आपको आया होगा वो लास्ट में ही आया होगा, उसको जस्ट आपको क्या करना है, उसको आप ऐसे सिंपली नहीं चला सकते, कई मोबाइल इसको सपोर्ट नहीं करती, OPUS फाइल है, इसको आपको रीनेम करना है। जैसे आप रीनेम करना है .mp3 में, जैसे आप इसको .mp3 में रीनेम करेंगे फिर आप इसको सुन सकते हैं, यहाँ पर आप इसको MP3 करके इसको सुन सकते हैं और आपके फ्रेंड को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका वॉइस नोट पढ़ा है, सुना है। फ्रेंड्स एक्चुअली ये व्हाट्सएप की प्राइवेसी की सेटिंग्स के बारे में, सिंपली कि आप अपना व्हाट्सएप ओपन करें, थ्री डॉट्स पे क्लिक करें, थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में जाएं, उसके बाद अकाउंट में जाएं, उसके बाद प्राइवेसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉग इन प्रोफाइल फोटो अबाउट स्टेटस, यहाँ लॉग इन पे क्लिक करें, ये देख सकते हैं अगर आप किस किस के साथ किसको शो है आपका लास्ट इन, एवरीवन फर्स्ट ऑप्शन, हर किसी को, माय कॉन्टैक्ट सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट को, थर्ड ऑप्शन है नोबॉडी किसी को भी नहीं, ऐसे ही प्रोफाइल पे फोटो में भी देख सकते हैं, उसके बाद अबाउट में भी ये ऑप्शन हैं, और स्टेटस में आए आपकी स्टेटस कौन कौन देख सकते हैं, माय कॉन्टैक्ट या माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, सेकंड ऑप्शन है इनो के अलावा हर कोई देख सकता है, या ओनली शेयर विद देम, थर्ड ऑप्शन जो है उस इनो के साथ शेयर करें और किसी के साथ शो ना हो। फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा किससे चैट करते हैं या फाइल्स शेयर करते हैं तो सिंपली व्हाट्सएप ओपन करें, थ्री डॉट्स पे क्लिक करें, सेटिंग्स में जाएं, यहाँ आपको डेटा एंड स्टोरेज यूजेज नज़र आ रहा होगा उस पर क्लिक करें, उसके बाद स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करें, यहाँ पे सारे आपके फ्रेंड्स आ जाएंगे जिनों के साथ आपने चैट की होगी, सिंपली किसी भी कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके आप उसके
टेक्स्ट मैसेज, फोटोज, वीडियोस जो भी आपने उसके साथ शेयर किए होंगे वो चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी फ्रेंड के साथ आप ज़्यादा चैट करते हैं और चाहते हैं कि उस फ्रेंड की जो चैट है वो हमेशा ऊपर ही रहे, इसके लिए बहुत ही आसान काम है। आप सिंपली क्या करें, उसकी चैट को प्रेस करें, प्रेस करने के बाद पिन के आइकन पर क्लिक करें, इससे उसकी चैट हमेशा ऊपर ही रहेगी और न्यू मैसेज जो आएंगे वो नीचे चलते जाएंगे।